I'm Mubeen Khan Ashfaq from Aybub Medical College, final year MBBS student. और वहाँ पे मैं PTI का president हूँ. तो आज हम यहाँ पे हमने विजिट किए हैं ये स्पेशल जो एजुकेशन स्कूल है स्पेशल बच्चों का. तो हमने यहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुए हैं और जो बच्चे हमने देखे तो तकरीबन आजकल तो सोसाइटी में इस तरह के लोगों को भी लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन स्कूल के यहाँ पे हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तरीके से उनको मतलब सिखाया जाता है. और जो इंप्रेसिव बात है यहाँ पे हमने बच्चे इस तरह लिखे देखे कि जो दोनों हाथों से भी लिख सकते हैं, मुँह से भी लिख सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, अजान दे सकते हैं. और मतलब इनकी आपस में इस तरह ज़बरदस्त एक अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. और जो मेन चीज़ जो पर्सनली इन्होंने मुझे इम्प्रेस किया है वो ये है कि मतलब दे आर नॉट डिप्रेस्ड, इनकी कोई शाइनिस नहीं है, बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, आपके सामने आते हैं, सलाम करते हैं. तो ये एक मतलब ये एक चीज़ है ना जो बहुत ज़बरदस्त है और जो बहुत काफ़ी इम्प्रेसिव है. और एक दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे जितनी टीचर्स है मतलब यहाँ जितनी टीचर्स हैं उन्होंने अपनी भी जो उनके नॉर्मल बच्चे हैं तो इनके साथ वो भी इन्वॉल्व हैं. और यहाँ पे हमें मतलब ये देखा है कि ये जो जितने डिसेबल या रिटार्डेड बच्चे हैं इनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंटरेक्ट करते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ. और ये भी मतलब टीचर्स ने बताया है कि यहाँ से बच्चे जाते हैं फिर वो अच्छे स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं. और दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है. और आखिर में ये मतलब मैं ये कहूँगा कि काश मैं भी यहाँ से पढ़ता, क्योंकि यहाँ के वो मतलब बहुत ज़्यादा जीनियस है ना. इनका एक मोटो है कि आप हमें एक बच्चा दे, गिव मी अ चाइल्ड, एनी टाइप ऑफ चाइल्ड, वी विल टर्न इनटू अ जीनियस. तो यहाँ पे विजिट करके बिल्कुल ये हमें सच लगा है. और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पे होती है. और वो जो हमारा जो मोटो है वो चेंज, तो चेंज आई थिंक इसी को कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज है. अभी बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स है हमारे, मतलब जितने मैं कहूँगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं हमारे मुल्क में या सूबे में उनमें भी इस तरह चेंज होनी चाहिए. तो यही चेंज है ना जो हम लाते हैं पाकिस्तान में. और यही चेंज अगर इस स्टेज ऑफ लाइफ से शुरू हो तो फिर मतलब वो सारी उम्र, क्योंकि वो फ्यूचर जो मुल्क का फ्यूचर है वो तो इन्हीं बच्चों के हाथों में. अगर ये चेंज यहाँ से डेवलप होनी शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में वो दिन मतलब बिल्कुल दूर नहीं है कि ये बच्चे और हमारा मुल्क और ये मतलब एशिया का दुनिया का एक तालीम याफ्ता और ज़बरदस्त मुल्क होगा. तो हमारी यही विश है कि और ये एक मैसेज है आपको कि इन बच्चों के साथ कोऑपरेट करें, इनको बूस्टअप करें, इनको इनक्रेज कर दें. और इनके साथ मतलब जिमाजित भी हेल्प हो सकती है, आप सब कुछ कर सकते. मेरा नाम अशफाक उत्मानज़े, फाइनल ईयर MBBS यूथ मेडिकल कॉलेज में का स्टूडेंट हूँ. ये किंगस्टन स्कूल का मेरा तीसरा विजिट है. और मैं यही कहूँगा कि मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ पे, जो एक मैं कह सकता हूँ कि वो जीनी का सबब जिसे हम लोग कहते हैं कि डिप्रेशन है जगह जगह पे, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं. इधर आके यकीन जाने जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है इसमें किसी किस्म का मुबालिगा नहीं है कि यहाँ पर आपको इन बच्चों से मिलकर जो रूहानी आपको वो आराम मिलता है, रूहानी इत्मीनान आपको मिलता है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरी जगह पे आपको मिलेगा. यहाँ पे आपको इधर नज़र आएगा ये बच्चे आपसे कितनी मोहब्बत चाहते हैं, ये आपस में कितनी मोहब्बत रखते हैं. और इनके दरमियान जो दोस्ती है मैं कहूँगा कि लाजवाब दोस्ती है. और मैं एक विश ये भी करूँगा कि काश मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ता, मेरी भी ऐसे टीचर्स होते, मेरे भी ऐसे दोस्त होते. यकीन जाने कि जब मैं एक एक बच्चे को यहाँ पे देखता हूँ तो खुश तो होता हूँ, लेकिन दिल में मेरे एक रश्क भी आता है कि काश मैं इन जैसा बन जाऊँ,
कि इनको जो मैं कहूँगा कि ये इनको डिसेबल्ड लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हमसे कहीं ज़्यादा इनेबल्ड है। जो स्किल्स इनकी इनमें मौजूद है, जो क्वालिटीज़ हैं इनकी इनमें मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी नॉर्मल बंदे में मौजूद होगा। ये इंतहाई प्यार करने वाले बच्चे हैं और मैं यहाँ पर किंगस्टन स्कूल के तमाम टीचर्स को खुसूसी तौर पर मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो किस तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं। यकीन जाने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये बच्चे इनके पास मैं आता रहूँगा और इंशाल्लाह यही मुझे तवक्को है कि इरफान साहब और इनकी टीचर्स इस स्कूल को आगे से आगे लेके जाएंगे। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ।